हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फाइनली आज है शादी वाला दिन और सुबह के बज रहे हैं, 1-2 बज रहा था आई थिंक, और यहाँ पर चल रही है पूजा। तो हमारे यहाँ पर जब किसी बेटी की शादी होती है तो शादी की सुबह को सुहाग देने की एक रस्म होती है, तो यहाँ पर वही सब चल रहा है। सभी गेस्ट आए हुए हैं और मैं भी आ गई थी, तो हम सब लोग यहाँ पर बैठकर अभी ये सब चीज़ें होने वाली हैं। साथ में गाना बजाना ये सब कुछ चलता रहेगा। और आज मैंने यहाँ पर इस तरीके से ग्रीन साड़ी पहनी हुई थी जो दिवाली पर पहनी थी, आज मैंने वही पहनी है। और इसके बाद अभी यहाँ पर आज जो ये वाली जो रस्म होती है ना, इसमें सभी लोग यहाँ पे जितनी भी लेडीज हैं बहुत इमोशनल हो गई थी, इसलिए आपको किसी के भी फेस पर स्माइल नहीं दिखेगी। और इस टाइम पे दीदी देखे यहाँ पर रोने भी लगी थी। सभी लोगों जो जो लोग सुहाग देने आते हैं ना, मतलब लड़की रोने लगती है तो फिर सबको ही रोना आता है, और दिल में थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है कि अब हमारी बेटी हमेशा के लिए चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग मंदिर आए थे, तो ये जो मंदिर है हमारे दीदी के घर के सामने ही है, तो यहाँ पर भी पूजा वगैरह होगी, वही रस्म यहाँ पर होगी। तो उसके बाद हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड इवनिंग। आज है 28 नवंबर और आज है शादी वाला दिन। और मैं गई थी मॉर्निंग में दीदी के यहाँ पर, तो वहाँ पर सुहाग देने वाली जो पूजा होती है वही चल रही थी, जो मैंने इससे पहले जो शादी वाला वीडियो शेयर किया था उसमें भी शेयर की थी। तो हमारे यहाँ पर कन्या को सुहाग दिया जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, बहुत अच्छी वाली पूजा होती है, थोड़ा सब लोग इमोशनल भी हो जाते हैं। तो गौरा जी से सुहाग भी मंदिर में दिया जाता है, साथ ही जो घर में सुहागनें होती हैं, तो बस वही सब आज सुबह को हुआ। फिर खाना वगैरह खा के मैं आ गई थी घर पे, कपड़े चेंज किए और आके सबसे पहले बनाया है काव्या के लिए गाजर का हलवा। तो यहाँ पर ये दोनों खा रहे हैं, काव्या का मोस्ट फेवरेट है गाजर का हलवा। और अभी ये शादी में जा रही है, वहाँ भी मिलेगा, लेकिन कल से ये इतना रूठ गई है कि इनको गाजर का हलवा खाना है, तो मेरा 1.25 घंटा चला गया। और मैंने बिल्कुल, देखो भैया का भी अपनी प्लेट में कर लिया, और मैं ना बिल्कुल भी आज रेस्ट नहीं कर पाया। मन तो रेस्ट करने का हो रहा था, लेकिन देवी जी रूठी हुई थी तो देवी जी को मनाना भी बहुत जरूरी था। तो मॉर्निंग में इनके लिए गाजर ली थी, इनको बोला था दूध ले आना, लेकिन ये तब तो लाए नहीं, शाम को 4 बजे दूध लेके आए। फिर मैंने फटाफट से बना ही दिया, क्योंकि कल का भी कहीं ना कहीं जाने का प्रोग्राम है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा। और अभी गिफ्ट पैक वगैरह सब कर दिए हैं, क्योंकि ऑलरेडी सामने मेरे रखे हुए हैं, जब जाएंगे तब लेके जाएंगे। और कैसा बना काव्या? इनको इनको बहुत 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 पसंद है, और इतनी गुस्सा हो गई थी, बोल रही थी गाजर का हलवा नहीं मिलेगा तो मैं नहीं शादी में जाऊंगी। कल ये शादी में गई थी, भैया ने पापा ने सबने खाया और इन्होंने कुछ मीठा नहीं खाया, फिर ये बहुत गुस्सा हो गई। बहुत दिनों से मांग रही है गाजर का हलवा। तो स्टार्टिंग में गाजर 3-4 बार आई थी, तो मैंने गाजर मटर आलू बना लिया था। गाजर ही इतनी महंगी थी, 80 रुपए किलो, तो मैंने नहीं बनाया था, लेकिन आज 35 रुपी मुझे मिल गई है, तो मैंने 1 किलो ली, इसके लिए बना दिया। और अभी हम मजे से इंजॉय कर रही हैं, शाम को खा लेना। खाओगी कि नहीं? आज शादी में जाओगी? हम हाँ जाऊंगी। मेरे साथ डांस करोगी? हाँ ठीक, मैं और काव्या साथ में डांस करेंगे, मजे करेंगे, और चलेंगे आप सबको भी लेके फंक्शन में। और अभी मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, फिर रेडी होके आपसे मिलूंगी और चलेंगे भी साथ में। वीडियो पर देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक कमेंट शेयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जल्दी से मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए। चलिए भाई, ठीक है, इस तो टाइम हो चुका है, 8 बज गए हैं और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ। आज मैंने मेरा बहुत सुंदर हेयर स्टाइल बनाया था, लेकिन सर पे पल्लू ले लिया है, और अभी जाना है गेस्ट हाउस, काफ़ी दूर है, तो इस वजह से मैंने स्टॉल भी ले लिया है, और थोड़ा सा इस तरीके से डाल के अभी बैठ जाऊँगी, जिससे कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हवा ना लगे। और काव्य यहाँ पर रेडी है, बहुत सुंदर सी रिंग्स पहन के, और देखो मेकअप वेकअप देखो कैसे किया है, और काव्य ने मैचिंग न्यू पर्स लिया है। कार्तिक भी रेडी है, चलेंगे सब लोग तैयार होकर शादी में। पति अब थोड़ा तैयारी हो रही है, मैं रह गई हूँ। कार्तिक मेरे भी थोड़ा परफ्यूम लगा दे, मम्मी रह गई है लगाने के लिए, जल्दी ला। कितनी भी तैयारी कर लो, लास्ट मोमेंट पे कुछ ना कुछ याद आता ही रहता है, तो बस मैंने आज बहुत सिंपल लगा लो। अरे दूर से लगा ना, दूर से लगा, ऐसे स्प्रे कर दो, सामने से करते हैं क्या निकलेगा? नहीं नहीं रहा। कर कर नहीं रहा। देखो
तो चलिए भाई, थोड़ी ही देर में रेडी होके पहुंच गए हैं हम लोग गेस्ट हाउस। और ये जो गेस्ट हाउस था, इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम आया, ये अभी नया ही बन के तैयार हुआ है। तो जो मैं आपके साथ माँ मंगला गौरी का मंदिर शेयर करती हूँ, उसी के पीछे यहाँ पर ये बन गया है। बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा है। फर्स्ट टाइम इसमें हम लोग अंदर आए तो बहुत अच्छा लगा। तो बच्चे वगैरह सब रेडी होके आगे जा रहे हैं, और डेकोरेशन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी थी। स्पेस वगैरह सब कुछ बहुत अच्छा था। और भी जैसे गेस्ट हाउस बहुत होते हैं, तो जैसे सबका अपना अलग अलग रहता है, लेकिन ये मुझे बहुत पसंद आया। इसकी सब कुछ अच्छा था। तो यहाँ पर अभी जैसे ही हम लोग पहुँचे थे, तो यहाँ पर चल रही थी तिलक की रस्म। तो अभी हमें पता नहीं था कि यहाँ पर क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पर सामने की तरफ सब लोग बैठे हुए थे, कुछ लोग घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे। कार्तिक कुछ जल्दी से देख आए थे, बच्चों को थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी रहता है ना, कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है देख ले। तो ये साइड में ही यहाँ पर ये हॉल टाइप का था, तो इसमें हम लोग गए, तो इसी में ही स्टेज वगैरह थी। बहुत बड़ा पूरा सा पैक्ड हॉल था, जिससे कि मतलब ज़्यादा सर्दियों में सर्दी भी ना लगे, और गर्मी के लिए भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट था। तो यहाँ पे तिलक की रस्म चल रही थी, बस अभी खत्म होने ही वाली थी। तो जैसे ही मैं थोड़ा 5 मिनट बैठी हूँ तो खत्म हो गई थी। तो सभी गेस्ट जाने लगे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर सबसे मिले, सबसे बात की, थोड़ा सा यहाँ पर फोटो शूट भी हुआ। और शादी वगैरह में जाओ, फोटो शूट ना हो तो फिर कैसे। तो अभी यहाँ पर सभी लोग हैं, लड़के वाले भी हैं। और आज मैंने तो मेरा लुक इस तरीके से ही क्रिएट कर लिया था, और मैं खुद से ही रेडी हो जाती हूँ। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे नाश्ता करने के लिए। तो जी एजेंट ने बोला कि अभी भीड़ नहीं है, तब तक थोड़ा सा कुछ खाने का मन हो तो खा लो। तो हम लोगों को जो भी खाना था हमने खा लिया था। तो यहाँ पर टिक्की वगैरह सब कुछ बन रही थी, और सर्दियों में थोड़ा सा मुझे तो इस तरीके की चीज़ें अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा हमने स्नैक लिया। तो यहाँ पे कार्तिक ये और मैं, काव्या का कोई अता पता नहीं है, वो तो खेल में इतना मस्त हो जाती है कि खाती कम है खेलती ज़्यादा है। उसके फ्रेंड्स से भी मिल जाते हैं, तो बस हम सब लोग यहाँ पे खाएंगे पियेंगे एंजॉय करेंगे। और ये मुझे बहुत पसंद आया। और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आए थे, धीरे धीरे इतनी ज़्यादा भीड़ पड़ती चली गई थी बहुत ज़्यादा। तो स्टार्टिंग में ही आके हमने जो थोड़ा बहुत खा लिया था, फिर बस उसके बाद अभी सबसे मिलना, बैठना, एंजॉय करना, बातें करना, बस यही सब चलता रहता है। और लोकल की शादी होती है तो फिर ये चीज़ सबसे अच्छी रहती है, घर से रेडी होके जाओ और फिर फंक्शन अटेंड करके अपने घर आ जाओ। पूरे 1-1.5 हफ्ते से यही हो रहा है कि हम लोग डेली मॉर्निंग में दीदी के जाते हैं, शाम को जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग हैं, और लाइट्स का पता नहीं क्यों कैमरे में कुछ इस तरीके से आ रही थी। मैंने इसको ठीक करने की कोशिश भी की, मुझे लगा पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है। तो ये वाली लाइट कुछ ऐसे क्रैक होकर जा रही थी। और सभी लोग अपना डिनर कर रहे हैं, जिसको जो खाना पीना है सभी लोग मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो शादी वगैरह में तो यही सब कुछ चलता रहता है। तो अभी आगे और भी सब लोग आने वाले हैं, अभी दीदी वगैरह सभी लोग नहीं आए हैं। तो यहाँ पर ये मेरी चाची वगैरह भी सब लोग आ गई थी, फिर इन सब के साथ बातें की। तो होता है ना, वन बाई वन करके सब लोग गेस्ट आते रहते हैं, एक साथ तो सभी लोग नहीं आते हैं। तो अभी मैं ही यहाँ पर शायद अकेली खड़ी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा कैप्चर करने की कोशिश की। साइड में इस तरीके से यहाँ पे रूम्स वगैरह बने हुए थे, बहुत अच्छा था। तो यहाँ पर बहुत देर से आए हुए हैं, बहुत देर से बैठे हुए हैं, और अभी लड़की भी रेडी होके आ चुकी है। तो सब लोग इधर उधर हो चुके हैं, कुछ लोग कुछ खाने पीने चले गए हैं, और हम लोग इतनी देर से घूम रहे थे कि बस खड़े खड़े थक गए हैं। तो बस थोड़ी देर बैठने का मन था, और मैं एक कॉफ़ी पीना चाह रही थी, जो कि काव्या मेरे लिए लेने गई है। तो अभी लाएगी तो फिर कॉफ़ी पी के फिर मैं देखती हूँ आगे। अभी हम लोग बस घर जाने की सोच रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम जो है बहुत लेट होता जा रहा है। और ये हमारी ब्राइड की एंट्री कुछ इस तरीके से हुई थी, और सभी फैमिली मेम्बर्स हैं, फोटो शूट चल रहा है। फोटो शूट के उसी में बहुत देर हो जाती है, कम से कम आधा पौने घंटे से तो मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ कि दुल्हन आगे बढ़े तो वरमाला हो जाए।
लेकिन अभी यहाँ पर फोटोशूट चल रहा है, इसमें अभी बहुत टाइम मुझे लग रहा है लगने वाला है। तो अभी हम लोग मतलब देखते देखते ही कि शायद ये जल्दी आगे जाएं तो जब वरमाला अटेंड कर ले हम लोग। तो अभी बच्चों का एग्ज़ाम वगैरह है मॉर्निंग में, तो इस वजह से फिर हम लोग रुके नहीं। हमने यहाँ पर बस थोड़ी देर यहाँ पर रुकी, मुझे दुल्हन को देखना था कि जो हमारी भांजी है वो कैसी लग रही है। तो बहुत प्यारी लग रही थी, बहुत अच्छी। और दूल्हे राजा को मैंने ऑलरेडी देख लिया है, तो इसके बाद मैं जाऊँगी बस घर के लिए। और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस वहाँ से आ गए हैं हम घर, क्योंकि गेस्ट हाउस घर से थोड़ा दूर था और रात की उसमें थोड़ा सा कन्वेंस की भी प्रॉब्लम थी। और बस घर आके फटाफट से चेंज करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो भी आपके साथ एक बहुत ही प्यारा सा ब्लॉग होगा, तो फिर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।